मैम पहले हमने देखा कनाडा ने एक एडवाइजरी इशू की, जो भी इंडिया में कनेडियन रह रहे हैं उनको लेकर। अब इसके बाद इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है जो कनाडा में इंडियंस रह रहे हैं उनको लेकर, चाहे स्टूडेंट्स हैं सिटीजन्स हैं, अपनी सेफ्टी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। क्या लग रहा है ये एडवाइजरी को लेकर? ये एक काफ़ी गंभीर स्थिति अब हो गई है, उत्पन्न हो गई है इंडिया और कनाडा का बीच, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 दिन पहले वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया था अपने पार्लियामेंट में कि जो एक मर्डर हुआ था, निजार लीडर थे, खालिस्तानी लीडर का, एक गुरुद्वारे में हुआ था, सरी में, कनाडा में, तो और उस गुरुद्वारे के प्रमुख यही थे, तो उस हादसा को लेके उन्होंने ये कहा कि हमने ये किया, सोचा है कि ये भारत देश के किसी लोगों ने किया है, और इसलिए हम उनके डिप्लोमेट को, सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल कर रहे हैं। लेकिन वो अल्फाज जो उन्होंने यूज़ किए पार्लियामेंट में, क्रेडिबल एलिगेशंस अबाउट पोटेंशियल लिंक्स, इतना जनरलाइज, इतना वेग, कोई एक भी सबूत उन्होंने पेश नहीं किया, और ये कहा भी नहीं कि उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास कोई सबूत है या कोई FIR दर्ज हुआ हो। तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, ना तो कोई सस्पेक्ट्स नेम हुए हैं, ना ही तो कोई FIR दर्ज हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोई भी किसी भी देश में एविडेंस के बिना, पुलिस फोर्सेस के एविडेंस हो या कोई FIR दर्ज किया हो, उसकी दौरान कुछ एविडेंस दिया जाता है, ये सब के बिना उन्होंने किया, तो हमारी सरकार ने भी एक्शन लिया, उन्होंने हमारी सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने कनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया और उनको कहा कि आपके सीनियर डिप्लोमेट को हम एक्सपेल कर रहे हैं, और ये जो आपने कहा ये बिल्कुल गलत है, अपसर्ड है, मोटिवेटेड है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, और हम ऐसा बिल्कुल कभी कुछ करते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने साफ दोहराया है। लेकिन उसके बाद कैनेडा में भी हमने देखा कि ट्रूडो के लिए कुछ खास सपोर्ट भी नहीं आ रही थी, उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने साफ कहा कि ये उन्होंने बयान तो दिया है पार्लियामेंट में, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कोई सबूत तो देखी नहीं है, आप मुझे दिखाइए, कुछ सबूत दिखाइए, एविडेंस दिखाइए, तब मैं सोचूंगा कि ये सच है, लेकिन उसके बिना तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनका बयान सच है। जी तो ये सब करते हुए उन्होंने अब एडवाइजरी इशू कर दी है कनाडा ने, कि उनके जो लोग, उनके देशवासी जो हैं, जो भारत आ रहे हैं, उनको कहा कि आप सतर्क रहिए, और कश्मीर के बारे में भी कहा। तो हमने भी ऐसी एडवाइजरी इशू कर दी, और हमारी एडवाइजरी तो बल्कि बिल्कुल सही एडवाइजरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ मीटिंग की थी दिल्ली में G20 समिट के दौरान, तो तब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी, बड़े कड़े मुख से बताई थी उनको, जस्टिन ट्रूडो को, कि आपके जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो सेपरेटिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, सिसेशनिस्ट हैं, और वो हिंदू टेम्पल्स पे अटैक कर रहे हैं, वो हिंदू टेम्पल्स पे ग्रेफिटी सब अनशन लिख रहे हैं, और वो हमारे डिप्लोमैट, भारतीय डिप्लोमैट्स जो वहाँ पे हैं, कनाडा में मौजूद हैं, उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि लोगों को उनको जाके मारो, उनके नाम ले रहे हैं, उनको मरवाने के लिए कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत काम है। कभी दो देशों के बीच, जिन देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कभी ऐसा नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, और ये बिल्कुल गलत काम कनाडा ने किया है, और हमारे प्रधानमंत्री ने समझाया भी था इसके बारे में। जी अभी देखा G20 के दौरान भी एक अच्छी मुलाकात रही दोनों देशों के बीच, प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद अचानक से इस तरीके की स्टेटमेंट कनाडा की तरफ से आना, क्योंकि जून में डेथ हुई है उस खालिस्तानी की जो हत्या हुई है, उसके बाद अब क्या लगता है, क्या मंशा है कनाडा की इसके पीछे? मेरा ख्याल कनाडा के ऊपर, या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, उनकी अंदरूनी पॉलिटिकल प्रेशर देखा जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बहुत लो हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो गई है, उनके इलेक्शंस आने वाले हैं, उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और उनके सर्वाइवल के लिए वो जो खालिस्तानी ग्रुप है जो उनके गवर्नमेंट में शामिल है, तो वो उनको अपना सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं, तो इसलिए इन वजहों से वो ऐसा बयान कर रहे हैं, और वो कनाडा में ही पॉपुलर नहीं है। हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि भारत ने कभी ऐसा कुछ काम किया हो, क्योंकि ये जो हुआ है, जून में हादसा हुआ है, ये उनके अंदरूनी मामला है, जो मतलब गुरुद्वारे में कुछ डिफरेंसेस थे और इसकी वजह से हुआ है, और ज़रूर उनको खबर आती होगी, क्योंकि उनके संपर्क पंजाब के लोग जो कनाडा में रहते हैं उनका संपर्क उनके साथ है, तो वो जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसलिए वो मतलब मैं कह रही हूँ कि ये काम जो है ये बिल्कुल एक गलत काम है, और हमने कड़ा और सही जवाब दिया है। देख रहे हैं, और जैसे
एडवाइजरी कनाडा की तरफ से आ रही है, भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में कनाडा में भारतीय रहते हैं, खासतौर पर पंजाब की अगर हम बात करें, क्या असर पड़ सकता है आगे आने वाले समय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा बहुत ही बड़ा फिक्र है कि उनके कंफर्ट के ऊपर, उनके रहने सहने के ऊपर ज़रूर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे जो खालिस्तानी इतने लोग हैं कि कई ग्रुप्स हैं, कई एक ग्रुप नहीं है, कई ग्रुप हैं, और किसी भी अपने सर में ले लिया कि इसको चलो हम कुछ करें,